मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कूटे में बन रहे विधानसभा भवन का निरीक्षण किया। 12 तारीख को पीएम नरेंद्र मोदी इस विधानसभा भवन का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान सीएम ने अधिकारियों को 10 तारीख तक सभी काम पूरे करने का निर्देश भी दिया है। मुख्यमंत्री के साथ विधानसभा अध्यक्ष दिनेश उरांव, संसदीय कार्य मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा, मुख्य सचिव, डीजीपी समेत कई विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड विधानसभा के नए भवन का उद्घाटन 12 सितंबर को करेंगे। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री रघुवर दास ने नए विधानसभा भवन के निर्माण कार्य का जायजा लिया और एक एक चीजों की जानकारी मौजूद अधिकारियों से ली। मुख्यमंत्री ने भवन निर्माण विभाग को निर्देश दिया है कि गुणवत्ता का पूरा ख्याल रखा जाए, तेजी से काम करने के चक्कर में घटिया सामग्री का इस्तेमाल न हो। मुख्यमंत्री के निरीक्षण के बाद मुख्य सचिव डीके तिवारी ने बताया कि ये झारखंड के लिए बड़ी उपलब्धि है। सरकार का लक्ष्य था कि इसी कार्यकाल में शिलान्यास के साथ उद्घाटन भी हो। विधानसभा भवन जिसका फाउंडेशन रखा गया था इस सोच के साथ कि इसी सत्र में इसको पूर्ण करना है, उस हिसाब से बहुत ही अच्छी सफलता है कि इसी सत्र के समाप्त होने के पूर्व भी ये विधानसभा भवन पूर्ण हो रहा है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इसका उद्घाटन कर रहे हैं। इसके आपके मेन हॉल में देखिए तो झारखंड की जो आत्मा है उसको प्रदर्शित किया गया है, जल, जंगल और जमीन। तो वो आर्ट इतनी सुंदर है कि मुझे लगता है कि किसी भी विधानसभा भवन के डोम से वो बेहतर होगी। मुख्यमंत्री रघुवर दास के साथ विधानसभा अध्यक्ष दिनेश उरांव, संसदीय कार्य मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा ने विधानसभा में विधायकों के बैठने वाले सभा वैश्व स्पीकर कार्यालय के साथ साथ अन्य कक्षों का भी निरीक्षण किया। संसदीय कार्य मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा ने निरीक्षण के बाद बताया कि ये राज्य के लिए सबसे बड़ी गौरव की बात होगी। नए भवन से नए झारखंड के सफर की शुरुआत होगी। पहले भी हम लोग कहा करते थे गौरव हमारा इस झारखंड प्रदेश के लिए है कि आज बहुत सा हम लोग आयाम छूने काम कर रहे हैं विकास के क्षेत्र में और पूरे राज्य के बारे में चर्चा करना, चाहे वो सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, एक दलगत से ऊपर उठ करके पूरे राज्य के बारे में चर्चा करना और इस देश, इस राज्य का जितनी भी योजनाएं हो, चाहे कानूनी रूप से या फिर विकास से संबंधित सारी योजनाओं को यहाँ पर 12 तारीख के बाद हमारे माननीय देश के प्रधानमंत्री जी भाई नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उसको उद्घाटन किया जाएगा। 12 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड विधानसभा के नए भवन का उद्घाटन करेंगे, जिसके साथ ही झारखंड में 19 सालों से चला आ रहा लंबा इंतजार समाप्त होगा जब झारखंड का अपना विधानसभा होगा और इसके साथ ही इसे रघुवर सरकार की एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर भी याद रखा जाएगा। सहयोगी उमेश के साथ विपिन उपाध्याय, न्यूज 11। झारखंड विधानसभा का नया भवन बनकर तैयार हो चुका है। कुल 465 करोड़ की लागत से बने इस विधानसभा में 160 करोड़ की लागत से बने इस विधानसभा में 160 विधायक बैठ सकेंगे। मुख्यमंत्री समेत 12 मंत्रियों के लिए भी अलग अलग कार्यालय होगा। वर्ष 2015 में रघुवर दास ने नए विधानसभा भवन का शिलान्यास किया था। 4 साल के अंदर इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ है। झारखंड का अपना विधानसभा भवन का सपना 19वें साल में पूरा होने जा रहा है। 12 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस भवन का उद्घाटन करेंगे। 465 करोड़ की लागत से बना ये विधानसभा का परिसर 40 एकड़ में फैला हुआ है। 11 कमेटी के रूम भी इसमें होंगे। पक्ष विपक्ष के लिए अलग अलग लाउंज होंगे। साथ ही झारखंड की कला संस्कृति की झलक नए भवन में दिखेगी और भगवान बिरसा मुंडा साथ ही अटल बिहारी वाजपेयी की आदमकद प्रतिमा भी नए भवन में होगी। वर्तमान में 84 विधायकों की सीटिंग कैपेसिटी इसमें की गई है। बहुत इम्पोर्टेंट फीचर जो है इसका सेंट्रल हॉल है, जिसका हाइट लगभग 41 मीटर ऊंचा है और इसमें झारखंड की कला संस्कृति और जो है उसको पूरा प्रदर्शित किया गया है उसके ऊपर में, और इसमें जो इसकी सीटिंग कैपेसिटी वर्तमान में है वो 160 तक एक्सटेंड हो सकती है। वर्तमान में अभी हम लोगों ने उसमें 84 मतलब सीटिंग कैपेसिटी रखी है। इसके बाद सीएम साहब का चैम्बर है, स्पीकर साहब का चैम्बर है और इसके बाद मिनिस्टर्स के 12 चैम्बर हैं। मिनिस्टर के लगभग 22 चैम्बर्स हैं। अभी हम लोगों ने 12 चैम्बर्स फिनिश किए हैं। इसी प्रकार 11 कमेटी रूम्स हैं। नए विधानसभा के निर्माण के लिए मुख्यमंत्री रघुवर दास ने 2015 में आधारशिला रखी थी। उस वक्त इस मामले में खूब राजनीति हुई थी।
झारखंड सरकार के पथ निर्माण सचिव के सोन, जो शिलान्यास के वक्त भवन निर्माण विभाग के सचिव थे, उन्होंने बताया कि झारखंड का सपना था अपने विधानसभा भवन का, जो अब पूरा हुआ है। ये भवन बेहतरीन आधारभूत संरचना का उदाहरण होगा, जहां से एक बेहतर परंपरा की शुरुआत होगी। आधारभूत संरचनाओं की आवश्यकता गठन के समय से महसूस की जाती रही है, और उसी को ध्यान में रखते हुए सरकार के निर्णय के आलोक में इस आधारभूत संरचना का विकास किया जा रहा है। और ये हम लोग के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है कि इस तरह की संरचनाओं के निर्माण से जो हमारा जो प्रतिष्ठा है उसमें वृद्धि होती है, और ये एक गौरव का विषय है। 160 विधायकों की बैठने की क्षमता वाला ये विधानसभा बनकर तैयार हो गया है। 2015 में इसकी आधारशिला रखी गई थी और 2019 में ये बनकर तैयार है, जिसके बाद एक उम्मीद की जा रही है कि एक नई शुरुआत झारखंड में विधायिका के क्षेत्र में होगी। सहयोगी उमेश के साथ विपिन उपाध्याय, न्यूज 11 रांची।